जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी। तो इसको सबसे पहले पानी में बॉईल करना है। बॉईल करते वक्त इसमें थोड़ा सा नमक और तेल डालना है ताकि ये एक दूसरे से चिपक ना जाए। 15 मिनट में ये बॉईल होकर तैयार हो जाएगी। तो इसमें हम सब्जियां डालेंगे। ये ऑनियन है, ये टमाटर है, ये कैप्सिकम है, ये थोड़ा सा इसमें सॉस भी डालना पड़ेगा। ये हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और ये है इसमें काली मिर्च। काली मिर्च डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए अब कुकिंग शुरू करते हैं। तेल गरम करने के बाद इसमें हमने सबसे पहले अदरक और जो लहसुन का पेस्ट था वो डाल दिया, उसके बाद लाल मिर्च और उसके बाद ऑनियन। ऑनियन को थोड़ा सा हमें सेक लेना है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें हम जो दूसरी सब्जी, आप और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैप्सिकम डाल दिया है, आप चाहें तो और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये पकना शुरू हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और नमक हल्दी डालकर इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो हमारी सब्जियाँ हैं वो देखिए पककर बिल्कुल रेडी हो गई हैं। ठीक है, ये देखिए कितना सुंदर इसमें कलर भी आ गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे टमाटो सॉस। ये देखिए, थोड़ा टमाटो सॉस डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा हिला देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। और इसमें अब हम डाल देंगे हमारी मैक्रोनी। ये देखिए, ये डाल दी है मैक्रोनी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसका कलर कितना सुंदर आ गया है, सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं अच्छे से। ओके, अब इसको हम 2 मिनट पकाएंगे और मैक्रोनी खाने के लिए तैयार है। आपको भी खानी है तो आप आ सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।